नमस्कार। इस वेले की सब तो वड्डी खबर सामने आई है। जी हाँ, मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन अते कोरोना वायरस संबंधी एक वड्डा बयान जारी किया है, जिस विच कर्फ्यू नू लैके कुछ राहत दी गई है। देखो इंसाफ टीवी ते पूरी खबर कैड़िया रियायतां मुख्यमंत्री पंजाब वालों पंजाब के 22 जिलों के लोगों नू दित्तियां गई हैं। आप जिहड़ा लॉकडाउन और करफ्यू किया सी पंजाब दे विच, उहदी 38वां दिन हो गया। मैं तुहानूं सारयां नूं एक बार कहा सी कि मैं समझदा कि थोड़ी तकलीफ की है, घरां च बैठना बड़ा औखा हुंदा, लोग अपने घरां च बह के किसी छोटे जे कमरे सारे एक दिन दो दिन तीन दिन तो ठीक है, पर 38 दिन करना बहुत बड़ी कुरबानी थोड़ी रही है। लेकिन ये कुरबानी तुसीं कीती है अपने पंजाब लई, अपने जान के साथियों लई, अपने रिश्तेदार जिहड़े पंजाब च वसदे ने, इहदी लोड़ सी। तुसीं दुनिया सारा देखो जिहड़ा कुछ हो रहा है, अमरीका तुसीं हुण अज देखदे हो 50,000 बंदे मर गए ने इस बीमारी नाल और 10 लाख के करीब उन्हां नूं करोना होया हुआ है। तो ये सारे कितने दुनिया से चल रहे हैं। यूके दे विच प्राइम मिनिस्टर भी उन्हां दे हुण करोना तो उठे ने, बाकी जर्मनी होए, अमेरिका कैनेडा होए, थोड़ी स्विट्जरलैंड होए, ऑस्ट्रिया होए, कोई मुल्क नहीं छड़िया जिथे एक चीज़ नहीं फैली हुई। असी कुछ दिन तो जिहड़ा असी कदम चके हिंदुस्तान च, असी जिहड़ा करफ्यू लग्या, जिहड़ा लॉकडाउन लग्या, लॉकडाउन तो वध के असी करफ्यू लाया सी पंजाब च, इसी काम च कि जिन्ना असी घट कर सकते हैं, जिन्ना आपां सोशल मिक्सिंग अवॉइड कर सकते हैं, ये सारिया गल्लां दे नाल पंजाब दा और थोड़ा सारिया का भला होगा, लोगों नूं जिहड़ी बीमारी आ बीमारी दूर रहो। अज 330 तक साढ़े केस ने, सो ये चीज़ चलनी है। और एक गल मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, मैं तुहानूं पहला भी दस्या सी, जो दुनिया चल रही है बीमारी, ये बीमारी रुकने वाली नहीं चलती, इस बीमारी ने अगे नूं फैलना है। और जैसे दस्या जा रहा है माहरां दा कि अज ये शायद जुलाई तई, शायद अगस्त तई या सितंबर तई ये जा सके, कुछ कुछ पता नहीं, क्योंकि बीमारी बारे कुछ किसी नूं कुछ पता नहीं है। तो अज जिहड़ा तुहानूं मैं कहा सीगा कि मैं कोशिश करूँगा कि किसी ना किसी तरह तुहानूं राहत दित्ती जाए, असीं अज फैसला कीता कि असीं डेली 7 बजे तो लैके 11 बजे सवेरे असीं लॉकडाउन लिफ्ट होगा, तुसीं बाहर आ सकते हो अपने घरां चों, दुकानां खुल्लियां होणगियां 7 बजे तो लैके 11 बजे तक, उत्थे भी तुसीं जा सकते हो। और पर फिर 11 बजे वापस आ के फिर लॉकडाउन रहेगा। ये जिहड़ा लॉकडाउन और करफ्यू हाले असीं 2 हफ्ते तक कम से कम इसनों अगे रखांगे, फिर आपां नूं हालात देखने पैणगे। लेकिन थोनों थोड़ी जी राहत मिलू ताकि तुसीं बाहर जाके घरां चों निकल के अपने दुकानां तुसीं जा सको। और दूजी गल जिहड़ी लोड़ है पंजाब नूं भी और साडे लोगां नूं जिहड़े काम अपनी दिहाड़ी करदे ने, असीं इंडस्ट्री नूं खोलना चाहुंदे हां, ओह इंडस्ट्री जिहड़े अपने लेबर नूं संभाल सकन और जिहड़ी लेबर उन्हां दे नेड़े ही रहे, या तां विच उन्हां दे एरिया 'च रहे या नेड़े रहे, ओह अपनी लेबर अपनी इंडस्ट्री चालू करो, ताकि तुसीं भी अपना इंडस्ट्री नूं एक बार फिर चालू भी करिए और पंजाब दा भी उहदे 'च भला है और लोगां दा जिहड़े उत्थे अपनी दिहाड़ी वगैरह उत्थे लै सकन। तो एक तो इंडस्ट्री असीं चालू करना चाहुंदे हां, एक असीं दुकानां खुलवाउणा चाहुंदे हां, एक तुहानूं 4 घंटे की राहत देना चाहते हैं कि तुम बाहर जाके अपने दुकाना जिते जाना हो अपने उत्थे जाओ। लेकिन ये नाल ही मैं ये भी बेनती कराँगा कि 11 बजे तुम वापस अपने घर जाओ और लॉकडाउन और करफ्यू रहेगा, वो रहेगा 2 हफ्ते तक कम से कम, और फिर थोनू आप देखेंगे उदो हालात की बनते हैं। लेकिन अज मेरी एको बेनती है थोनू कि यदा कोई इलाज नहीं, सिर्फ इलाज है सोशल मिक्सिंग आप ना करिए। अज भी जब तुम बाहर जाओगे प्लीज़ अपना डिस्टेंस मेनटेन करो, वो जरा 2 मीटर दूजा रहना चाहता है, अपने मास्क पाओ और अंदर जब तुम घर चाहते हो आके तुम उत्थे भी अपने अपने आप ही अपनी फैमिली के नाल ही तुम उत्थे रहो, ऐ नहीं कि दोस्तों को आप बुला लो या कुछ कुछ करो, वो गल फिर गड़बड़ हो सकती है। और मेरी कोशिश होएगी अगर 2 हफ्तों तक तुसी इत्थे अपना करोना कुछ कंट्रोल दे विच रहे, फिर आपां कुछ हो सकते हैं और कुछ करन दा आपां सोच सकते हैं। जैसे आपनूं पता है अपने कई पंजाबी बाहर अपने बसे हुए हैं,
कोई हजूर साहब विच है, कोई अजमेर विच ने, कोई कोटा दे विच ने, कोई किते ने पहाड़ा दे विच ने, कोई कोई यूपी तो आना चाहुंदा है, कोई हरियाणे दे विच बसे हुए ने। ते साडी ड्यूटी है उन्होंने कि अगर आना चाहते ने अपने घर असीं उन्हां दी मदद करांगे घर आउण। लेकिन क्योंकि ये बाहरों बड़ी ये कोविड की बीमारी फैली हुई है तो जो आए असी उन्होंने क्वारंटीन दे विच सानू करना पऊ, वो 21 दिन उन्होंने वो रहना पऊ और उहदा प्रबंध असी कीता होया है हर ज़िले दे विच ताकि उन्हां दी उत्थे रहायश और रोटी वगैरह का सारा प्रबंध होए। लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी इसलिए है कि अगर ऐसे कोई बीमारी लैके कोई उरे आ जाए, जैसे शुरुआत कितों हुई सी, शुरुआत हुई सी जो साढ़े NRI आए से और नवांशहर तो एक बंदे तो उत्थे शुरुआत हुई, या निजामुद्दीन दे विच जिहड़ा फंक्शन होया सी उत्थों आके मानसा और संगरूर दे विच उत्थों फैलिया। तो असी बाहरली हुण कंट्रोल उरे कर रहे हैं चंगी तरह, असी यह नहीं चाहते कि हुण बाहरों के वे बीमारी फिर किसी दिन ही उरे आए, ताकि थोनू औख जरूर हो थोड़े दिनों वास्ते, लेकिन अपने पंजाब वास्ते और अपने परिवारों वास्ते थोनू ये जरूरी है कि तुसी ये कदम चको और सरकार तो ये कदम चक के थोनू क्वारंटीन दे विच रखे कुछ दिनों वास्ते। अज ये जिहड़ी करोना की बीमारी है उहदे आपां जिहड़ा लॉकडाउन और करफ्यू किया सी पंजाब दे विच उहदी 38वां दिन हो गया। मैं थोनू सारिआं नू एक बार कहा सी कि मैं समझदा कि थोड़ी तकलीफ की है, घर च बैठना बड़ा औखा हुंदा, लोग अपने घर च बह के किसी छोटे अज ये जिहड़ी